नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। अभी अभी चुनाव आयोग ने कुछ ऐलान किया है। ऐलान झारखंड चुनाव को लेकर है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव था, इसके बाद अब एक महीने का समय मिलेगा बीजेपी और आला पार्टियों को झारखंड में तैयारी करने का, अपना वर्चस्व कायम करने का। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहले ही चरण की चुनाव 30 तारीख से स्टार्ट होगी, मतलब 30 नवम्बर से 5 चरणों में चुनाव होगा। तारीख क्या क्या है ये बता देता हूँ। पहले तारीख ये है, 30 नवंबर को पहला चरण, दूसरा चरण 7 दिसंबर को, तीसरा चरण 12 दिसंबर को, चौथा चरण 16 दिसंबर को और पांचवा चरण जो आखिरी चरण होगा वो 20 दिसंबर को होगा। इसके बाद 2 दिन मिलेगा आराम को और तीसरे दिन होगी चुनाव की इंतजार की, जो इतनी मेहनत होगी उसकी रिजल्ट की, मतलब 23 दिसंबर को जश्न का माहौल रहेगा झारखंड में। परंतु झारखंड के चुनाव में कुछ अलग आंकड़े रहेंगे। क्या आंकड़े हैं और कितने मतदाता हैं ये भी बता देता हूँ। 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 37 सीट मिली थी, 5 सीटें थी आरजू के पास और आरजू और बीजेपी के गठबंधन के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी और उसके बाद बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री भी थे। परंतु इस बार अब देखने लायक होगा क्या क्या होने वाला है, ये बता देता हूँ कितने मतदाता हैं। 2,26,01,230 मतदाता होंगे, जिसमें से 1,80,01,290 पुरुष, 1,07,390 महिलाएं भी होंगी इसमें मतदाता में, जो 81 विधायकों की दिन तय करेंगे, मतलब 81 विधायकों को चुनेंगे जो उनके राज्य का, उनके कस्बे का, उनके शहर का, उनके गांव का और उनके मोहल्लों का जनसंपर्क रहेगा, उनका प्रतिनिधि करेगा। अब देखने लायक ये होगा कि झामू, आरजू, बीजेपी, कांग्रेस, ये 5-4 पार्टियां होंगी जिनके ऊपर बहुत दायित्व होगा, जिनपे लोगों की निगरानी होगी। लगातार न्यूज चैनल इनको फोकस भी करेंगे और हम भी इस बार करेंगे। हम भी नए तरीके से आपके सामने हर राज्य की अपडेट लाएंगे, तुलना करेंगे किसको सियासी सीट मिलेगी तो किसको इसमें मनोरंजन का भाव मिलेगा। हम ये भी बताएंगे कौन सा पार्टी का नेता कहाँ पे वर्चस्व कायम करेगा और कहाँ के बाहुबली की होगी हार इस बार, क्योंकि इस बार मूड कुछ और होगा। क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव आप सबने देखा है, अलग उलटफेर रहे हैं तो अलग पार्टी की सियासी दावेबाजी अभी तक चल रही है। तो इस बीच अब झारखंड का चुनाव है, झारखंड में किसकी होगी बहुमत और कौन होगा कायल, ये भी देखने लायक होगा। ये छोटी सी अपडेट मैं आपके सामने दे रहा था जो इलेक्शन आयोग ने खुलासा किया तारीख का और डेट का। इस बीच आपको बता देता हूं 2014 में किसका वर्चस्व काफी ज्यादा था और किस पार्टी को कुछ सीटें मिलने के बाद भी सत्ता में नहीं आ पाई थी। 4 पार्टी अहम होंगी, कांग्रेस, बीजेपी, झामू, आरजू और एक अन्य होगी। अन्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार अन्य वाले भी वोट और समर्थन देकर सियासत का उलटफेर बदल देते हैं। पहले बीजेपी की बात करता हूं क्योंकि 37 सीटें सबसे ज्यादा झारखंड में बीजेपी को मिली थी। उसके बाद आरजू का नाम ले रहा हूं, आरजू को 5 सीटें मिली थी, झामू को 19 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। आपने सोचा होगा आरजू का रोशन ने पहले नाम क्यों लिया और झामू का नाम तीसरे नंबर पे क्यों लिया। कारण ये है क्योंकि बीजेपी और आरजू के गठबंधन वाली पार्टी ही सत्ता में है अभी तक, मतलब आचार संहिता लगने से पहले सत्ता में ही कहेंगे और बीजेपी के मुख्यमंत्री भी हैं। तब देखने लायक ये होगा कि झामू किसी से गठबंधन नहीं कर रही है, कांग्रेस का पल्ला भारी नहीं हो पा रहा है, तो बीजेपी क्या इस बार 41 सीटें ला पाएंगी, क्योंकि 41 सीट लाने वाली पार्टी ही बहुमत में आएगी इस बार, क्या फिर आरजू के साथ गठबंधन में लड़ेगी। ऐसे 2019 के लोकसभा का डिटेल बता देता हूं। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 11 सीटें बीजेपी को है, मतलब 11 लोकसभा के सांसद जो है वो बीजेपी की तरफ से हैं, वहीं आरजू को 2, कांग्रेस को 1 और झामियों को 1 सीटें, मतलब 1 सांसद उनकी तरफ से हैं। ये थी 14 लोकसभा के सांसदों की बात, परंतु अब विधायकों की बात है। विधायकों का पलड़ा किस तरह भारी होगा, लगातार जेड न्यूज की टीम इस पर अपडेट करती रहेगी। कल से झारखंड स्पेशल एक शो चलेगा जिसमें हर नेता, हर कस्बे, हर गांव की समस्याओं को लेकर एक छोटी सी अपडेट आपके सामने लाऊंगा जरूर। अगर कोई भी गांव में समस्या आपकी दिखती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर हमारे जेड न्यूज के चैनल में जाकर सब्सक्राइब करिएगा या मेल आईडी नीचे जो अबाउट में जाएंगे उसमें मिल जाएगा और मेल करके बताइएगा हमारे गांव में ये समस्या है, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।